डोमेस्टिक की आपने बात की है, डोमेस्टिक मैंने आपको खुद खेलते हुए देखा है, मैंने आपको नंबर 6 पे भी खेलते देखा है अभी बैंक से कि जब आप इनिंग का आगाज नहीं कर रहे थे तो डोमेस्टिक से ही आप प्रोडक्ट ने डोमेस्टिक की। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इमाद वसीम को वापस ले आओ, आमिर को वापस ले आओ, उस्मान खान को मुल्तान यूएई से बुला लो, ये एक कैसा मैसेज जा रहा है कि हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, या आप समझते हैं कि अच्छा साइन है कि जो अवेलेबल है उसको खिलाओ? देखिए ये तो अच्छी चीज है, जो अवेलेबल और जो फॉर्म में है उसको खिलाओ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको पीछे जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आगे की बजाय पीछे जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्रिकेट में वो प्रोडक्शन नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। और आई थिंक यही चीजें जो हैं वो नए चेयरमैन को देखनी है कि भाई हमारी जो क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ी किन वजूहात की वजह से नहीं है, और वो वजूहात जो है उनको जब तक आपने अलहदा ना किया तो आपकी क्रिकेट में यही होगा कि आपको हो सकता है कि वकार यूनुस को ही खिलाना पड़ जाए। लेकिन आमिर भाई मुझे आपका पता है, एक ओपनर ने मुझे बताया कि जब उनसे शॉर्ट पिच नहीं खेली जा रही थी आपने हेलमेट पहना है, खाली ग्लव्स पहने, और आपने जो हुक पुल किए ना क्रिकेट छोड़ने के बावजूद उसके, वो बड़े जबरदस्त किए। नहीं मैं, मेरा कोई इरादा नहीं है। सर थैंक यू सो मच आमिर भाई, क्या आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बड़ा हमेशा से बड़ा